मैम ये क्या एसडीए क्या होता होता है? है? एसडी एसडीए क्या होता है होता सैलरी डिडक्शन अमाउंट, वेतन में से काटी जाने वाली राशि। उन्हें सैलरी मिलनी थी 8,000 रुपये, अब उन्हें सैलरी आप दे रहे हैं 7,174। इनसे जो अमाउंट माइनस हो रहा है वो जाएगा एसडीए, सैलरी डिडक्शन अमाउंट। और कोई डाउट हो तो कुछ? आपने यहाँ पे माइनस में लिखा था क्योंकि आप 2 दिन की सैलरी माइनस कर रहे हो, तो वो 2 दिन यहाँ पे कम कर देगा क्योंकि 1 दिन एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, इसीलिए वहां पे माइनस वन लिखने पे 2 दिन कम हो जाएंगे। अब जैसे आपके यहाँ रूल होता कि 1 दिन एबसेंट होने पे 3 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, तब आप यहाँ पे क्या लिखते? -2। तो अभी यहाँ पे कितने दिन आ रहे हैं? 28 दिन आ रहे हैं। एंटर करेंगे कितने हो जाएंगे? 27, क्योंकि 3 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, इसीलिए आप यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे तो वो 2 दिन कम कर देंगे। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे इतने। अब आप इसकी एंट्री कर लेंगे यहाँ पे टैली में। पेरोल वाउचर से सैलरी देने के लिए शॉर्टकट की होती है वाई, आप वाई प्रेस करेंगे तो पेरोल वाउचर पे आ जाएंगे। आप केस दे रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे केस। आप जैसे यहाँ पे टीचर सिमरन से सैलरी दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। निशा दीदी का नाम ही ले लेते हैं। ठीक, आप इन्हें कितनी सैलरी दे रहे हैं? 8,000 रुपये यहाँ पे आपने लिखा ना, ये आप इन्हें सैलरी कितनी दे रहे हैं? बेसिक सैलरी 8,000, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 8,000, एंटर, फिर एंटर करेंगे। अब अगर इन्होंने लीव ली है, लीव लेने पे आप इनसे अमाउंट माइनस करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लीव। अब इन्होंने पूरे मंथ में कितनी लीव ली है? प्रेजेंट कितने दिन है ये? 28 दिन, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कितनी लीव ली है। एक लीव है और एक एबसेंट है, 3 दिन कम हो जाएंगे, मतलब इन्होंने लीव कितनी ली है? एक, तो लीव लेने पे आप 1 दिन की सैलरी माइनस कर देंगे। अब लीव लेने पे अमाउंट कितना माइनस हो रहा था यहाँ पे? ये 258, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 258 और एंटर कर देंगे। फिर आप एंटर करते हैं, अभी एबसेंट भी थी तो आप इनसे एबसेंट से अमाउंट माइनस करेंगे। एबसेंट होने पे कितना अमाउंट माइनस हो रहा है? 2 दिन की सैलरी, मतलब 516, आप इसमें माइनस कर देंगे 516, फिर एंटर करेंगे। अब देखिए इन्हें लीव एबसेंट माइनस करने के बाद सैलरी कितनी मिल रही है? 7,226। आप यहाँ पे सैलरी प्रेजेंट लिस्ट पे जाएंगे, देखिए अपन ने निकाले थे यहाँ पे नेट सैलरी, लीव एबसेंट माइनस करने के बाद कितनी मिल रही है? 7,226, यही वहां पे आ रहा है। अब आपने इनके 52 रुपये लेट नाइट में माइनस की, ये भी आप वहां पे माइनस कर देंगे, फिर सैलरी कितनी देंगे? 7,174। तो आप यहाँ से टैली पे जाएंगे, आप यहाँ पे अल्ट प्लस सी से एक पेहेड बनाएंगे लेट नाइट का, इसको आप पेहेड टाइप में सेलेक्ट करते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये अमाउंट भी एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में, फिर इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। और कैलकुलेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, एंटर करके सेव कर देंगे। कितना अमाउंट माइनस हो रहा था? 52 रुपये हो रहा। आप जैसे इसे माइनस करेंगे, देखिए यही सैलरी मिल रहा था 7,174, ये आप इन्हें यहाँ पे दे देंगे। अब एंटर कर दें, लीव एब्सेंट सब कुछ माइनस करने के बाद आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, अब इन्हें सैलरी कितनी मिल रही है? 7,174। अब अगर आप इन्हें बोनस देते हैं, ये तो हो गया लीव एब्सेंट लेट नेट, आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, सब कुछ माइनस कर दिया, ये सब अमाउंट इनका माइनस हो जाता। अब अगर आप इन्हें बोनस देते हैं, बोनस क्या होता है? हमेशा एड होता है क्योंकि बोनस मिलता है। आप यहाँ पे अल्टे प्लस सी से बोनस का पेहेड बना रहे हैं, इसे आप पेहेड टाइप में सिलेक्ट करते हैं डिडक्शन फॉर सॉरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, उन्हें मिलता है बोनस, तो ये क्या होता है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी अंडर में आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और बोनस आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बोनस जरूर नहीं है आप दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, अंडर में कितना आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू और एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप देखिए अभी इन्हें सैलरी कितनी मिल रही थी? 7,174। अब जैसे मानो आप इन्हें मंथ में 250 बोनस दे रहे हैं, ठीक, जैसे ही एंटर करेंगे अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? 7,174।
एंटर करेंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 7,424, क्योंकि बोनस हमें से एम्प्लॉय को मिलता है तो वो उनकी अर्निंग होती है। सैलरी और बोनस क्या हो जाएगा? अर्निंग। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और सैलरी तो आप अंडर में डालते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बोनस तो डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा ये सब अंडर में आ जाएंगे करेंट लाइबिलिटी, ठीक। और सबको आप सिलेक्ट करेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू और एंटर करके सेव कर देंगे। अगर आप किसी और एम्प्लॉय को भी यहाँ से सैलरी दे रहे हैं, आप यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैंने भी यहाँ पे साथ में सैलरी दे रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं दे रहे तो यहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पे आप मेरे से डाल देंगे बीन सैलरी पे, एंटर करके सेव। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछो। बना लिया? कोई डाउट है?